ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिरमौर के छोटे से गांव नोहरादार का तपेंद्र सिंह भारत जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसे देश के प्रधानमंत्री के सिवा कुछ नहीं दिखता। जब भी उसे समय मिलता है वे देश के प्रधानमंत्री का नाम कॉपियों पर लिखने लग जाता है। तपेंद्र ने ये कार्य अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है। दिन हो या रात हो वे नरेंद्र मोदी का नाम दिन में कम से कम 108 बार जरूर लिखता है। सिरमौर के छोटे से गांव नोहरादार का तपेंद्र सिंह भारत जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए कि उसे देश के प्रधानमंत्री के सिवा कुछ नहीं सूझता। जब भी उसे समय मिलता है वह देश के प्रधानमंत्री का नाम कॉपियों पर लिखने लग जाता है। तपेंद्र ने यह कार्य अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है। दिन हो या रात हो वह नरेंद्र मोदी का नाम दिन में कम से कम 108 बार जरूर लिखते हैं। यही नहीं, तपेंद्र को नरेंद्र मोदी की फोटो या खबर किसी भी अखबार में कहीं दिख जाती है तो वह उसे तुरंत काट कर अपने रजिस्टर पर फ्रेम बनाकर रख लेते हैं। तपेंद्र को कुछ लोग अब मोदी भक्त कहकर बुलाते हैं तो कुछ अब उसे पागल तक कहने लगे हैं। लेकिन तपेंद्र किसी भी बात का बुरा नहीं मानते और वे अपनी धुन में लगे रहते हैं और पिछले 2 वर्षों में वे 25,000 बार मोदी मोदी लिख चुके हैं। जब तपेंद्र से उनके अनोखे शौक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी देश की गरीब जनता के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। गरीब लोग जिनके घरों में गैस सिलेंडर नहीं थे उन्हें निःशुल्क गैस का कनेक्शन दिया गया। जिनको घर बनाने के लिए धन उपलब्ध नहीं है किसानों के बैंक खाते में पैसे दिए गए। गरीब गांव वासियों को निशुल्क इलाज के लिए कई योजनाएं चलाई गई। भारत का माथा विश्व में ऊंचा किया। बस इन सब बातों से वे बेहद प्रभावित हुए, इसलिए वे अब उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं। जैसे लोग राम का नाम रोज लेते हैं वे देश के प्रधानमंत्री का नाम लिखते हैं। उन्होंने कहा कि वे तब तक ये कार्य जारी रखेंगे जब तक कि नरेंद्र मोदी से मिल नहीं लेते। उन्होंने कहा कि उनके इस शौक के चलते लोग उन्हें पागल तक बोलने लगे हैं, लेकिन वे किसी की बात का बुरा नहीं मानते। वहीं तपेंद्र के मित्र अनिल भी उनके इस शौक से बेहद प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि तपेंद्र दिन रात सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के बारे में ही सोचते हैं, जिसके चलते लोग उन्हें पागल भी बोलते हैं, लेकिन तपेंद्र किसी की भी परवाह नहीं करते और रोज उनका नाम कॉपियों में लिखते रहते हैं। अनिल ने बताया कि तपेंद्र को अगर दिन में समय नहीं मिलता तो वे देर रात को भी नरेंद्र मोदी का नाम लिखकर ही सोते हैं। तपेंद्र बेहद अच्छा युवक है जिस पर उन्हें बेहद गर्व है। सर, मैंने 2018 में 6 महीने से शुरू किया, सर 2018 के 6वें महीने से लिखना शुरू किया नरेंद्र मोदी जी के बारे में। और इसीलिए लिखना शुरू किया है क्योंकि मोदी जी मेरे जीवन में काफ़ी, उनके जीवन से मैं प्रभावित हुआ हूँ और जो वो कार्य कर रहे देश हित में उससे भी मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं ही नहीं, पूरा देश प्रभावित हुआ है। इसीलिए उनके बारे में ये जो लिखना और ये कटिंग्स मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ सर, और शायद लगातार करता रहूँगा। और जीवन में शायद एक बार कभी उनसे मुलाकात होगी तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन होगा। जैसे लोग राम का नाम लिखते हैं वैसे ही आप इनका नाम लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? सर, ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये देश के लिए जो काम कर रहे हैं वो शायद किसी भगवान के रूप में ही, एक जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, लोगों के लिए जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं इनके बारे में ये लिखता हूँ। मैं भगवान के बराबर समझता हूँ सर इनको। तो अभी तक कितनी बार लिख चुके हैं आप? सर, मैं 22,000 बार, 25,000 बार हो सकता है सर लिखित रूप में जो है इनका नाम सर। और इसके अलावा आप क्या कटिंग्स क्या करते हैं? कटिंग सर, मैं दुकानों में जाता हूँ और जगह जगह से सर रद्दी के बीच से मोदी जी का चेहरा जहाँ भी दिखता है वहाँ से निकाल देता हूँ सर, और काट देता हूँ और फिर चिपका देता हूँ, फ्रेम कर देता हूँ सर। तो लोग आपको इस जुनून के लिए पागल भी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि ये पागल हो गया है और मोदी जी के प्रति इसकी जो भावना है, ये पागल हो गया लड़का, कभी रद्दी उठा रहा है, कभी फोटो चिपका रहा है, कभी नाम लिख रहा है सर। ये तो आपको क्या लगता है? लगता तो बुरा है सर, पर फिर भी आप छोड़ते नहीं? नहीं सर, मैं ये नहीं छोड़ता। मैं जब रातों को लिखता हूँ सर, फिर जब मैं को दिन को टाइम नहीं है तो फिर मैं रात को लिखता हूँ सर। तो यानी इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्या संदेश? तो सर कुछ नहीं है, ये तो एक सम्मान है सर उनके प्रति। वो देश के प्रधानमंत्री है, देश विदेश में उनकी जो एक अलग तरीके की जो छवि है, पहचान है, वो शायद किसी में आज तक मैंने नहीं देखी सर। इस वजह से मैं इनका इतना बड़ा फैन हूँ और जो देश के लिए इन्होंने कार्य किए, आगे भी करेंगे, कर रहे हैं अभी भी, इससे भी मैं बहुत प्रभावित हूँ सर। इसीलिए ये सब करता हूँ मैं सर।
कभी जीवन में शायद उनसे मुलाकात होगी तो मैं अपने विचार उनके साथ साझा करूँगा। यानी कि लोग चाहे जो मर्जी बोलते रहे, आप हटेंगे नहीं? नहीं सर, मैं तो लिखता रहूँगा, जब तक उनसे मिल नहीं पाऊँगा तब तक मैं लगातार लिखता रहूँगा और इसी तरह के काम, ये कटिंग वगैरह जो फोटो फ्रेम है ये भी करता रहूँगा सर जी। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है सर कि लोग मेरे लिए क्या बोलते हैं, दुख तो होता है पर मैं फिर भी करता हूँ सर। ये मोदी का बहुत बड़ा फैन है और सर ये रात को अगर इसके पास अगर दिन को टाइम नहीं होता तो सर ये रात को भी एक एक दो दो बजे इसको लिखता रहता है और कई लोग ऐसे बोलते हैं ये तो पागल हो जाएगा, बोले मोदी के पीछे, तो सर ये तो उनकी सोच है, बाकी ये बहुत मेहनती और